दिन लगा लो सर। कितनी आईडी? 936। 36 होगी? हाँ जी। 360 आईडी होगी सर? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, 40 एसपी में 360 आईडी बन गई सर। 360 नहीं गुरु जी, 36 आईडी। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, 36 आईडी होगी। 36 आईडी होगी गुरु जी। 36 आईडी होगी सर। ठीक है, 18 राइट। हाँ जी गुरु जी, दो अपनी हो गुरु जी। ठीक है, 18 लेफ्ट। ठीक है, 18 राइट। इनमें से ऐसे भी तो बंदे होंगे जो आपको एक दो आई डी देंगे। करिए हम गुरु जी, ये तो खुद का वो है। अगर मैं खुद इतने का काम करूँ हर रोज तो भाई सब 36 आई डी तो है नहीं, 3 महीने में किसी भी आदमी निकल जाएंगे गुरु जी। अगर बंदा अगर इसके नीचे वाले क्या पता इनमें किसी का माइंड सेट हो जाए। हाँ जी गुरु जी, बहुत बड़ा विजन लेके बैठा हूँ इन 36 बंदों में, 2-4 बंदे। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, हम क्या करते हैं सर, फालतू की बकवासबाजी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। मैं एक ही बार दिन के अंदर फेसबुक देखता हूँ सुबह से आप कि भाई किसने मैसेज डाल रखा, किसने नंबर डाला है या नहीं डाला, मैसेंजर पे नंबर डाला है नहीं डाला। बाकी की मैं सबको लाइक मार मार के छोड़ देता हूँ, उसके बाद देखूंगा उसको शाम को। हम उसके अंदर क्या 2-3 घंटे बिता लेते हैं। मैं बोलता हूँ सर 7 दिन अगर आप 2 घंटे दो बंदों से मिलो तो कितने बंदे हो गए सर, 14। क्या पता सर 14 बंदों में से 2 बंदे मिल जाए। यस गुरु जी, 14 बंदों से अगर हम बातचीत करते हैं 2 तो मिल ही सकते हैं, ज्यादा मिलेंगे गुरु जी। कितना भी फ्रेशर बंदा हो 2 तो निकाल ही सकता है। यस गुरु जी, अगर वो 2 बंदे क्या पता सर 10-10 आईडी दे जाए, आपको 20-20 आईडी दे जाए। यस गुरु, क्या पता वो गोल्ड रैंक कर जाए 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो क्या है ये 2 ही बंदे आपका नहीं टूट होगा। Yes, लेकिन हम सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, फालतू में बकवासबाजी में लगे रहते हैं। अगर हम जितनी बकवासबाजी उसके ऊपर करते हैं उतना 2 घंटे अगर हम काम के ऊपर फोकस करें तो भाई साहब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक दिन आप लोग यूट्यूबर बहुत जल्दी बनोगे, मैं चाहे लेट बना हूँ मैंने कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर जो बहुत ही कमियाँ थी मैंने वो तो सुधारा तब जाके बैठ गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर एक इंसान इन्हीं चीज़ों को, मैं बोलता हूँ कि भाई जो एक्स्ट्रा घंटे हैं उनके ऊपर आप एक्स्ट्रा काम करो, अपना खुद का काम कर लो, लेकिन 2 घंटे 2 बंदों से मिलो। अगर हर रोज 2 बंदों से मिलोगे तो 14-7 दिन के अंदर 14 बंदों से मिल लेते हो, उनकी लिस्ट आ जाती है 14 बंदों की आपके पास। मैं मोबाइल नंबर ले लो उनका, और जिस दिन सेमिनार होता है बड़ा कोई लीडर आता है कॉलिंग करो, कॉलिंग पे वो आएंगे बंदे। यस गुरु जी, आपके लिए प्लानिंग हुई है अभी जो 10-10 के ट्रेनिंग के बाद में। अभी आप लोगों को बता देता हूँ, अभी से अपने बंदों से पैसे लेना शुरू कर देना। SOS ट्रेनिंग आ गई है जनवरी के अंदर। यस गुरु जी, और जनवरी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि संजीव सर तो अपने जो कैप्टन को देख रहे हैं, तो संजीव सर ने स्पेशल बोला कि मैं क्लोजिंग करूँगा SOS ट्रेनिंग। यस गुरु जी, भाई SOS ट्रेनिंग की मैं क्लोजिंग करूँगा, मैं आऊँगा स्पेशल। ठीक है, तो SOS ट्रेनिंग के अंदर जनवरी के अंदर होगी। उसके लिए हमारा सबसे पहले क्या चल रहा है, 10 सुपरस्टार चल रहे हैं, उसने टारगेट दे दिया। अगर हम 10 सुपरस्टार 2 महीने में भले दिसंबर तक कवर करके देना है सीखने के लिए, ठीक है, तो जो 10-10 बंदे हैं वो सीखेंगे पहले, उसके बाद में सीधा SOS के। तो अभी उसके लिए हमारे पास में संजीव सर ने अजीत गुरु जी को बोला, और अजीत गुरु जी ने अभी क्या किया है मेरे को और कृष्णा मैडम को कैप्टन छुटवा दिया। ठीक है, आप लोगों को पहले बता देता हूँ, मैं ग्राउंड में काम करूँगा, कृष्णा मैडम ग्राउंड में काम करेगी, मैं लिंक निकाल के दूंगा। आप लोग का सीखना हफ्ते के अंदर 8 दिन की प्लानिंग बना दी अनीता मैडम की, कैप्टन के अंदर रुकेगी। ठीक है, अनीता मैडम 1 हफ्ते में 4 दिन आई। ठीक है, 4 दिन के अंदर अनीता मैडम आप लोगों को सिखाएगी, सिर्फ सिखाई सिखाएगी। कभी आप सोचोगे भाई ग्राउंड में जगह प्लान कर दे, इधर बैठ के धर्म सिंह के ऑफिस का मैंने बोला है कि भाई इधर ऑफिस के अंदर सुबह 7 से लेके और 8:30 या 9 बजे तक सुबह आप लोगों को सिखाएगी। उसके बाद में शाम को बाद में जो भी उसका होगा सिखा के वो घर जाए या इधर रुके, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, फिर शाम को जैसे ऑब्जेक्शन सोल्यूशन
या डुप्लीकेशन, 2 घंटे 3 घंटे का डुप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद में संडे को सेमिनार है, गीता मैडम की क्लोजिंग होगी उसके अंदर। ठीक है गुरु जी, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ सर क्लोजिंग किस तरीके से होती है और उसके बाद में हेल्प प्लान किस तरीके से होता है। उसको बंदा नहीं है, सेम टू सेम हर बंदा डिटो कॉपी मारेगा। ठीक है गुरु जी, कि भाई प्रोडक्ट कैसे बताया जाता है, प्रोडक्ट से बिजनेस के ऊपर कैसे लिया जाता है और हेल्थ से बिजनेस के ऊपर कैसे जाया जाता है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है अभी आप लोगों के लिए, यानी मैंने प्लानिंग की है तो आज प्लानिंग हो जाएगी, तो शायद बहुत बड़ा